हे गाइस, दिस इज पंकज और इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा फॉन्ड ऑफ। सो फॉन्ड ऑफ का क्या मतलब होता है? किसी चीज का शौक होना या शौकीन होना। सो फॉन्ड ऑफ की स्पेलिंग होती है FOND, फॉन्ड ऑफ। सो कई लोग इसको फाउंड ऑफ भी प्रोनाउंस करते हैं, जो कि गलत प्रोनाउंसिएशन है। हमें इसे फॉन्ड ऑफ प्रोनाउंस करना है, ना कि फाउंड ऑफ। सो इसका फॉर्मूला क्या होता है? बहुत सिंपल है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फाउंड ऑफ, वर्ब के साथ आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। अभी जो हेल्पिंग वर्ब है, यहां हमें ध्यान रखना है, अगर हम लोग प्रेजेंट में सेंटेंस बना रहे हैं तो इज या मार का इस्तेमाल होगा, और अगर पास्ट में सेंटेंस बनाएंगे तो वाज या वर का इस्तेमाल होगा। तो यहां मैंने चार एग्जांपल्स लिखे हैं, इन्हें लेके हम लोग सीखते हैं कि कैसे हम लोग एग्जांपल्स बना सकते हैं। मुझे कार चलाने का शौक है, सो क्या होगा? प्रेजेंट है। सो आई एम फॉन्ड ऑफ ड्राइविंग कार। जैसे कि उसको गिटार बजाने का शौक था, सो ही वॉज, यहां पास्ट है तो वॉज लग जाएगा, ही वॉज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग गिटार। अब वह महंगी गाड़ियों का शौकीन है। अगर यहां पे कोई काम नहीं हो रहा, शौकीन है, तभी भी हम लोग फॉन्ड ऑफ लगाएंगे, बस वहां पे वर्ड का इस्तेमाल नहीं होगा। सो होगा ही इज फॉन्ड ऑफ costly cars, he's fond of costly cars। जैसे कि मुझे बचपन में क्रिकेट का शौक था, so I was fond of cricket in my childhood। so ये हमारा सिंपल सेंटेंसेस होते हैं जब आपको किसी चीज का शौक है या शौक था। तो अगर हम लोग यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं कि मुझे इस चीज का शौक नहीं है या मैं इस चीज का शौकीन नहीं हूं, तो यहाँ पे नॉट फॉन्ड ऑफ लग जाएगा। हेल्पिंग वर्ड के बाद हम लोग नॉट का यूज करेंगे। तो ये चार एग्जांपल्स हैं जो लिखे हैं, उन्हें बना के हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। मुझे आपसे बात करने का शौक नहीं है, तो क्या होगा? आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ टॉकिंग टू यू। अगर सेंटेंस आता है उसको गाना गाने का शौक नहीं था, तो ही वॉज नॉट फॉन्ड ऑफ सिंगिंग सॉन्ग्स। ही वॉज नॉट फॉन्ड ऑफ सिंगिंग सॉन्ग्स। मुझे क्रिकेट का शौक नहीं है, तो आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ क्रिकेट। अब जैसे है, उसको इस काम का शौक नहीं था, तो he was not fond of this work। तो ये कुछ सेंटेंसेस हैं जिन्हें आप बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को और इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।